वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अमृतमई गोद विच अत्यंत श्रद्धा दे नाल शाम दे समय नूं आप जी सफला बना रहे हो। आओ जिन्ना भी वक्त गुरु कृपा सदका प्राप्त हो रहा है संगत रूप विच सफला बनाइए। सतगुरां दी पावन गहर गंभीर कथा विचों आप जी ने सरवण कीता सी राय बुलार जी दे प्रति उपदेश। जदों राय बुलार साहब दी बिरती इंद्रियां तो उची उठ के प्राणा ते आ गई, गुरु बाबा जी ने यह भी विखाया प्राण तू नहीं ते प्राणायाम भी तू नहीं है। सिद्ध करके दसिया प्राण ते तेरा एक साधन ने, इन्हां प्राणा दे उत्ते सवार है तेरी रूह, तेरी सौल, तेरी आत्मा। जद आत्मा ने उड़ारी मारनी है पहला प्राण इहदा घोड़ा चलणगे। जदों गुरु बाबा जी ने बड़े विस्थार सहित दसिया है, राय बुलार साहब कहिंदे महाराज मैनूं समझ आ गई, मेरे सां मेरे प्राण मेरा रूप नहीं। हुण अवस्था कित्थे है? कहिंदे पातशाह मेरा मन मेरा रूप है। बंदा सारी जिंदगी मन दे अधीन होके चलदा है, मन दियां मन्नण वाला ये नहीं मन्नदा भी वह कौन है। इत्थों तक आप जी ने पावन कथा का आनंद माणिया सी, आओ उस विस्माद विच चलीए जिथे गुरु नानक साहिब महाराज अपने प्यारे सेवक नूं उपदेश बख्श रहे आ। पाओ प्रेम दी सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। मैं सकल्प कियो सपांते जाते जीतों सकल अरते। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहिब जी महाराज राय बुलार साहिब जियां दे दरबार विच बैठे बड़ियां गुंजियां रमजां छेड़ रहे ने। जदों राय बुलार साहिब जी ने यह जान लिया मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रे भी नहीं ते मैं प्राण भी नहीं, चौथी अवस्था ते पहुंचे आ, कहिंदे पातशाह मैं मन हाँ। सतगुर कहिंदे ओ किवें? कहिंदे पातशाह मन संकल्प पैदा करदा है। संकल्प का अर्थ हुंदा इच्छा, प्रबल इच्छा। हर एक बंदे दा मन करदा है मैं आ करां मैं वह भी कर लां। हर मन कहिंदा मैं अमीर होवां मैं वड्डा होवां मैनू लोग जानन पर मैं लोकां बारे बहुता ना जाना, ये मन कहिंदा है जी। ताना नहीं कहिंदा, माया कट्ठी करन दी आस मन नूं लगी है, सोहणा बनन दी आस मन नूं लगी है, पदार्थ एकत्र करने ते जागे उत्ते अपना हुक्म चलाउणा ये इच्छा किहदी है? मन दी। मन दी इच्छा नूं कहिंदे आ संकल्प। ते जिहड़ी मन दी बुरी नीयत है, बुरी सोच, उन्हूं कहिंदे विकल्प। दो तरह दियां सोचां दे प्रावधान नूं कट्ठियां करिए ते मन बणदा है, एक है संकल्प ते दूजा है विकल्प। विकल्प भाव चंगीआं इच्छावां ते बुरीआं इच्छावां।
कहिंदे महाराज मन पिछे सारी दुनिया लगी फिरदी है, हर बंदा मन दे तल ते जिउंदा, ये बिल्कुल कूड़ा सच है। बेशक मन रब नहीं, मन तू नहीं, पर जी ते मन दे तल ते रहे हां सी। इसे करके गुरु ने कह दिता, मन दे पिछे लगन वाले आ तू मनमुख है, गुरु दे पिछे चलन वाले आ तू गुरमुख है। राय बुलार साहब आखन लगे, पातशाह मेरा मन जदों मैनू हुक्म करदा है, मेरा मन खुशियां माणदा है, मेरा मन दुखी हुंदा, ते मेरा मन कहिंदा मैं दुनिया जित लवां। इसे करके साहिब बाणी विच कहिंदे आ ना, मन जीतै जग जीत। गुरु पातशाह कहिंदे ओ दुनिया जितण दीआं सोचां सोचण वालिआ पहिलां अपना मन जित लै। हुण जितना की ने है इक सवाल है, मैं अपने आप नूं जित सकदा? सुभाविक दुनियावी पद्धर दी गल है, क्योंकि जदों तक दुनियावी गल साडे फेस विच नहीं ना आउणी धार्मिक कित्थों आजूगी। मैं हमेशा कहना मैं तैनूं हरावां, मैं जितना है, मैं सुखी होवां अपने आप नूं सुख देवां ते तैनूं देआं दुख, मैं बना चंगा ते तैनू बनावां बुरा, इह ते मन कहिंदा ना। पर इस मन उत्ते काबज कौण है? राय बुलार साहब कहिंदे मर्द इस मन ते कोई कब्जा नहीं है, मन अपने आप ही करदा है। इह वी सच है, मन दीआं मर्जियां अपणीआं ने, मन दे ख्याल अपणे ने, मन लोचे बुरियाईआं गुर शब्दी इहो मन होड़ी है। बाहे जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै बाहे ना छोड़ी है। बचन क्यों कीता? मर्द कहिंदे मन बुरियाईआं लोचदा है, मन बुरा सोचदा है, कदे मन चंगा सोचदा है? गुरु घर बैठे हो झूठ ना बोलियो। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे सामने ने, कोई कह सकदा है हिक ते हथ रख के भी मैं कदे किसे दा बुरा सोचदा ही नहीं? कोशिश करदे होवोगे, पर कोशिश करदिआं भी मन किसे दा भला नहीं करदा। आखो सतनाम सुभाए दा। जिदन मन भला करन ते आ गया उदन रब ते मन च फर्क थोड़ी है कोई। पर गुरु साहब नूं आखण लगे, महाराज मैं मन्निआ मेरा रूप, मेरा सब रूप, मेरा आपा आप, मेरा मन ही है। मन को धर्म संकल्प उठावत, सो सब आपन मैं लख पावत। सतगुर कहिंदे, राय बुलार जी तुसी मन नूं अपना रूप किवें मन्निआ? कहिंदे महाराज मेरा मन जो कहिंदा मैं ओह करदा। दुनिया का हर बंदा कहिंदा मेरी मर्जी, मैं मन्ना ना मन्ना, तू कौन होना मैनू समझाउण वाला? ये कौन कहिंदा जी? मन कहिंदा ना, हर बंदे का कहिंदा। धार्मिक बंदा भी अपनी ईगो चक्की फिरदा है, मत कोई भुलेखा पाले भी मेरे तेरे च कोई ब्रह्म ज्ञानी होना, वो तो घर ही बहुत दूर ने। जिन्हां ते सतगुर ने कृपा की उन्हां कोल मन हुंदा ही नहीं, ते जिहदे कोले मन है उहदे कोल रब नहीं। मन कहिंदा मैं आ, रब कहिंदा तू है ही नहीं, मन कहिंदा मेरे वर्गा कोई नहीं। गुरबाणी ने स्पष्ट किया है, जन्म जन्म की इस मन कौ मल लागी, जिन्हों जन्मा जन्मा की मैल लगी हुई है, काला हुआ श्याह, शाही वर्गा काला होया पिया। तो उही मन लोकां ते हुक्म ढाउंदा है, उही मन सकून भालण वास्ते जमाने नूं दुख दिंदा है। राय बुलार जी कहिंदे मर्द जे मेरे मन का संकल्प मैनू कोई रोक थोड़ा सकता है, मैं अपनी कोई इच्छा जाहर की मैनू ये चाहिए मैं वो लैके छड़ना, कोई दबाउण की कोशिश करे मन कित्थे दबदा है? मन स्वरूप है मेरो या ते अनत और नहेरो। सतगुर कहिंदे वेख लो फिर ना क्यों भी मन भी मेरा रूप नहीं। कहिंदे नहीं महाराज, मन ते आके गल खड़ गई, मन सच्ची मेरा रूप है। गुरबाणी कह रही है मन तू जोत स्वरूप है, मना मेरिया तू रब दा रूप आ। ते दूजे पासे सतगुर कहिंदे इहनू जन्मा जन्मा की मैल लगी, कि रब मैल है? कि रब बुरा है? कि रब बुराई करदा है? नहीं, जिहदा मन शुद्ध है ना, मन सुचा हो गया, मन रब जैसा बन गया ना, कोई वह सचमुच रब का रूप है। जिहदा मन अपने आप पिछे लग्या फिरदा है, वह कल भी काला सी, अज भी काला, ते कल भी काला रहेगा। तन का चिट्टा काला लिबास उहनूं बदल नहीं सकता। आखो सतनाम, नहीं बदल सकता। गुरबाणी लिख रहे हैं मन दे परथाई,
बग्गा बगे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुट कुट जिया खावई बगे ना कहियान। कहिंदे बगलिया ने चिट्टा रूप धारण किया, वो तीर्थां ते बैठे आ। हुण तीर्थ ते बैठा बगला ये थोड़ा कहिंदा भी लोग तपस्या करदे आ नाम जपदे, तू भी कर ला। मर्द कहिंदे नित बैठा मच्छी नू तार लावे, वो भावे गंगा ते बैठा, गोदावरी ते बैठा, प्रयागराज बैठा है, जां कुंभ दे मेले ते बैठा है। बाहरों चिट्टा जरूर है पर मन करके अज भी मैला वो बैठा भी मच्छियां नू ताड़दा है। ये उदाहरण आ ना, हंस की उदाहरण भी है, बगले की भी है। दित्ती किहदे लई है? मन लई। भ्रिष्ट मन धर्म की थां ते बैठा भी पराए रूप वेखदा है, पराए वस्त्र वेखदा है, पराई बुराई वेखदा है। ते चंगा मन बुरी थां ते खड़ के भी किसे लई बुराई नहीं लोचदा। आखो सतनाम, आ फर्क ने, कंपैरिजन ने। कहिंदे महाराज मैं मन्निया मेरा मन मेरा रूप है, मैं ही मन हाँ, मैं ही सब कुछ हाँ। ओ राजन तू मन पी नाही होण विकार हेत तेह माही। गुरदेव हस के आखन लगे राजन तू मन नहीं है, तू ते शुद्ध है, मन सदा ही विकारी है, सदा ही बाणी लिख रही है इस मन दे परथाए। मन के हो जा मन ते गधे वर्ग है, गुरु कहिंदे आ। मैं थोड़ा कहिंदा मन खुट हर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा खरका पैखर तौ छुटै जा ऊपर लादा। कहिंदे गधा सियाणा कदों है? जदों उहदे ते भार लद्दिया होवे। गधा वेला होवे ते डींगा मारदा है, लेटदा धरती ते। मन उत्ते कोई ना कोई वजन पिया रहे, टिकिया रहिंदा। जे मन ते भार ना होवे ते मन बंदे नूं बंदा नहीं समझदा। सतगुर कहिंदे इहदे ते भार पर रब की बंदगी दा, इह टिकिया रहे। वो ते बंदगी च बैठा भी गेड़े लाया हुंदा है, धीआं पुत्तां नूं प्यार करदा बैठा सतसंग च। मन बैठा गुरु घर दे विच पदार्थां बारे सोचदा है, जग दे स्वार्थां बारे सोचदा है, बैठा धर्म दे दर ते। कहिंदा फिर रब मिलू किवें इहनूं, इह ते आया ही नहीं रब दे कोले। गुरु नानक साहिब कहिंदे तेरा रूप नहीं आ राय बुलार साहिब, इह ते सब तों वध मैला है। दुनिया के जिन्ने माड़े काम होंगे आ रब करा जी? नहीं, मन करा। मन धार्मिक बंदा वह कदे धार्मिक नहीं जिहड़ा गल्लां गल्लां चाखे मेरी मर्जी, जो मैनू चंगा लगे मैं करूँ। जिहड़ा धर्म नाल जुड़िया ना अंदर तो, वह बाहरों तो दुनिया जुड़ी है। बाहर दे धर्म दीआं किहड़ियां गल्लां? अज कोई किहड़े धर्म च है, कल किसे होर च होऊगा। अंदर दा धर्म किहड़ा है? नाम, बंदगी। सिख धर्म सब तो वड्डा धर्म है ना। इस धर्म का मार्ग की है? नानक निर्मल पंथ चलाया। ये पंथ निर्मल है, इत्थे स्वच्छ है। जिवें हाथ ते आवला रखिया ना, आमला सब दिसदा है। सिख दे अवगुण सिख दे पाप गुरु सामने ने। कोई असी ते सौ ठगियां मार के गुरु अगे सच्चे सुचे बने फिरदे हां, ते असी धर्मी कहा रहे हां? इत्थे लोकां दी नज़र विच चंगे बन जांगे, धर्मराज ने छिलणा बड़ा। आखो सतनाम, उत्थे नहीं, वो तो राजा ही धर्म है। उन्हें वेखना ये कोल धर्म है ही कोई नहीं। दिखावे वाला धर्म थोड़ी प्रवान है। दिखावे वाले सतगुरु कहते कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जगाती लुटा। उत्ते लुटिया जाता है जो दिखावा कर करके पाठ करना है, दिखावा करके नाम जपना है, दिखावा करके सेवा करनी है, अपनी संतुष्टि वास्ते नहीं, लोग खुश हो। मन की चलाकी है, ये मन की बेईमानी है। गुरु नानक साहब महाराज कहते भाई ये सदा ही मैल है, मैला है बहुत। इस करके मैला रूप तेरा नहीं हो सकता राय बुलार, तुहाडे विच ते मैल ही कोई नहीं। तुसी क्या मन मेरा स्वरूप है, बिना विकार रूप है तेरो, ताको अब निकी बिद हेरो। गरीब नवाज कहिंदे तेरा रूप बिना विकारा तो है, बिना औगणा तो है, बिना पापा तो है, बिना बुराइया तो है। तो मन तो सदा ही बुराई लोचदा, सदा ही। इहदा कोई भरोसा नहीं है। कोई समा सी किसी साधु ने एक बेसवा का रूप वेखिया। उस बेसवा के अंदर हंकार बड़ा सी। साधुआं ने सारी जिंदगी कदे बेसवा का डर नहीं सी वेखिया, बंदगी वाले आ। एक दिन बेसवा के मन में आया क्यों ना मैं संतां महापुरखां नूं मिलिया वा, दुनिया जाती मैं भी पुन कमाला। महापुरखों का जीवन बड़ा डाढ़ा सी।
बंदगी बड़ी है, चिट्टा दाड़ा लब्बा चल के कोला ही मत्था टेकिया। उन्हें धी शब्द वरत्या महापुरख ने, क्योंकि उसकी नज़र बैली नहीं है, उसके लिए सब धी पुत ने। तो वेसवा दे कोल चिट्टी कुत्ती रखी हुई सी, बिच साधुआं नूं बशकरी करके आखदी है, कहिंदी बाबा जी एक गल दसो, मेरे कुत्ते जा कुत्ती दी पूछ चिट्टी जा तुहाडा दाड़ा चिट्टा, ये सुच्चा आ जा ये सुची। महापुरख थोड़ा जा मुस्कराए, कहिंदे बीबा समा आऊगा कदे जवाब देंगे, समा आएगा। हुण साधुआं ने जीवन का परित्याग करना सी, अंतम समा आया। चेले कहिंदे बाबा जी कोई अंतम उपदेश दे दिओ, कहिंदे भाई वेसवा नूं लै। ओह कहिंदे बाबा कहा जाए मरन वेले वेसवा, सारी जिंदगी जिस औरत का मूँह वेख्या बंदा मन विकारी हो जाता, पापा के नरक च डिग जाता जाके, तो साडा साधु महापुरखे तो करी कराई अपनी खराब कर लगा। कहिंदा उहनूं लै आओ, वेसवा बुलाई गई। कहिंदी महापुरखो अंतम समय मैनूं क्यों बुलाया? कहिंदी मैं तेरे सवाल का जवाब देना सी। दाड़े नूं हथ ला के कहिंदी मेरा दाड़ा चिट्टा है, ये सुच्चा है। से दाड़ियां सुचियां बने जो गुरचरनी लगन, वही दाड़ियां सुचियां जिहड़ियां गुरु के चरणा नाल लगदियां ने, विकार भोगण वालियां थोड़ा सुचियां। कहिंदी बाबा जी ये जवाब तुसीं मैनूं उदों भी दे सकते सी जिस वेले मैं सवाल किया। हस के पता की कहिंदी, कहिंदे बीबा उदों जवाब नहीं सी दे सकदा, उदों पता नहीं, अजोहो सो नाओ समुंदर मैं क्या जानो क्या होए। जिंदगी दे समुंदर दे विच ए बेड़ी चल रही है जीवन दी, कोई पता नहीं कित्थे डिग डोला खा जे, कित्थे मेरा मन बेईमान हो जांदा। पर कहिंदे अज मैं ये दाड़ी सच्ची सुची लैके दरगाह पर लोक चले आ, अंतम समा मेरा ए, मेरे मन च पाप कोई नहीं बुराई कोई नहीं, अज तेरे कुत्ते दी पूछ दे नालों ये दाड़ी चट्टी ते सुची है। आखो सतनाम। वेसवा नूं उपदेश दिता, कहिंदे इस मन दा सारी जिंदगी भरोसा नहीं, सारी जिंदगी बड़े बड़े लोगों के कांड सुनते होवोंगे, धर्म गुरु जेलां च बैठे कहाउण वाले, क्यों लोगों नूं मत दिंदे सी उपदेश दिंदे सी, एक दिन आप ही रगड़े गए। एक कलयुग घोर है, मन ते सदा ही लाई लग गए। तुसीं इत्थे कथा सुन के बाहर चल जाओ, किसी ने तुहानूं मनमत्ती जी गल करती भुल जाना सारा कुछ, कीर्तन सुन के बाहर निकलो किसी ने यह बेकार जी गल तुहाडे कोल करती सारा कीता कराया झोली खिलार देनी, क्योंकि मन बेईमान है, मन पापी है, मन बेकारी है, मन कलंकी है। गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे उह तेरा रूप थोड़ी हो सकदा जिहड़ा मैला है। इस मन उत्ते ते रब दे प्यारे भी विश्वास नहीं करते, क्यों नहीं करते? मैं जानियो मन मर रहे हो, मन तो मरे हो ना है, कुसंगत बरखा पैण ते बाहर हरे होए जाए। मैनू लग्या मन मेरा मर गया, मैं चार दिन धर्म की दुनिया ते आया, पर कहिंदे जिदण कुसंगत दी संगत विच बह गया ना जाके, उसे दिन कहिंदा है, कहिंदा मेरा कोई की करूँगा, फिर हो जाओ गया। बड़े लोग ने धर्म की दुनिया चाहुंदी अमृत छक लैंदे, फिर ठेकियां ते तुरे फिरदे, कुसंग दी वरखा हो गई है। कदे खडूर साहब की धरती ते मलूका चौधरी सी गुरु अंगद देव पातशाह की संगत विच आया, उन्हूं लग्या मैं तर गया, हौली हौली कुसंग दा साथ होया, ते चुबारे चढ़ के कहिंदा देख बाबा मैनू जिहड़ी दारू तो डकदा सी रोकदा सी मैं पीण लग्या, अज कहिंदे आ गई फिर मिल गई कुसंग हो गई ना। धर्मी बंदा भी डोल सकदा जे गुरु की कृपा ना होवे। मन दा की है? मन के मते ना लगी है, मन के मते अनेक। मन दा पता है इत्थे कुछ होर कहिंदा, घड़ी पल होर कह दिंदा नहीं नहीं मैं नहीं करना, मैं साइन करने, दो पल बाद कहिंदा ना मैं नहीं करता, मैं क्यों जिम्मेवारी चक्का, मैनू की लोड़ है। घड़ी च मन कहिंदा मैनू बंदा बड़ा चंगा लगता, थोड़े पल कहिंदा बंदा ठीक नहीं किसे मतलब करके जुड़े है, कुछ होर कुछ होर कुछ होर, क्योंकि मन हर वेले शक दे दायरे च रहिंदा है, बहम च रहिंदा है। बहम दी जिंदगी जिउण वाले बंदे दी कोई जिंदगी नहीं, जग ते भार हुंदे ने। जेहने इस मन को उपजावा सो स्वरूप तू सदा सुहावा। राय बुलार कहिंदे मर्ज मैं ते मन नूं अपना रूप मन्निया, तुसीं दसो। सतगुर कहिंदे तेरा रूप मन नहीं, जिने तेरे मन नूं उपजावा पैदा कीता तेरा रूप उहो है। आखो सतनाम। मन जिने बनाया तेरा ते रूप उहो है, जिने सृष्टि साजी जिने दुनिया बनाई, फिर वह अवस्था नूं सतगुर कहिंदे आ कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ मैं।
रहा ना हो भी तेरे ते मेरे विच फर्क कोई नहीं है, तू मेरा रूप है मैं तेरा रूप हाँ। ईसा जी कहिंदे सी रब तू आ ते मैं रब हाँ, की फर्क है। रब दे प्यारे रब नू कहिंदे आ मैं ते तू एक हाँ, तेरे मेरे च फर्क कोई नहीं, क्योंकि जिन्हें बनाया है ओदा रूप हो गए। उपजन बिनसन मेह तू नाही, नित्य एक रस लखियोर माही। गुरुदेव कहते ना तू जमदा है ना तू मरदा है, जमन मरन तो तू रहत है, वो है आत्मा। आत्मा कदे नहीं जमदी, आत्मा मरदी भी कदे नहीं। ते आत्मा नू कौन वेख सकदा, तू मैं वेख सकदे हां? नहीं वेख नहीं सकते। जिन्हें उन्हें पछाण लिया ना उन्हें अंतर आत्मे वेखिया। अंतर आत्मा की है? जिन्हें अपने स्वरूप नू तके है, अपने आप नू वेखे है। असी ते 99% दूजे दे औगण वेखदे हां। कदे अपना मूँह वेख्या शीशे जाके, मैं किहो जा, मेरियां बुराइयां की ने, मैं चिट्टे कपड़े पा के बैठा, मैं नीली दस्तार बन्नी, मैनू लगता मेरे वर्गा महान कोई नहीं, लोगों मेरे बारे की पता है। पर मेरा मन जानता है मैं किन्ना पापी हाँ, मेरे विच औगण किन्ने ने, की होया मेरा पहरावा, मेरे औगण ढकी फिरदा ते मैं चंगा हो गया? नहीं, एक छल है, एक कपट है। वह सतगुर जानदा जा मेरा मन जानदा मैं की हाँ। जितन ये मनना शुरू करता ना, समझो गुरु नानक साहब दे बेड़े आ गए हो। जिदन बेड़े च बह गए, कृपा करनी वो मालिक की मर्जी है। जद तक मन कहिंदा है, मन करदा ते बुराइयां, मन लोचा बुराइयां, अंदरों अंदर बुरा सोचता है, बाहरों चंगा बन के विखाउंदा। लोकी कहने ते भाई सेवादार बहुत बड़ा है, ते धर्मी बड़ा बड़ा है, ते नाम बहुत जपद है, की करेगा? तेनू उस नाम ने भी मुक्त नहीं करना जिहड़ा नाम तू हिरदे तू जपिया ही कदे नहीं। इस करके बाणी कहिंदी राम राम करता सब जग फिर आराम ना पाया जाए। गल ते मन दी है ना, कहिंदे मन जुड़दा ही नहीं। असी कहने मेरा एक घंटा मन जुड़ गया। गुरु नानक साहब महाराज कहते अख दे फरके जिन्ना भी जी का जुड़ गया ना, बेड़ा उस दिन पार है। अख का फरका किन्ना कौन है? माइक्रोसैकेंड। तो बाणी ने लिखा भी है, एक चित जे एक छिन त्यायो काल फास के बीच ना आयो। स्पष्ट अर्थ ने, अर्थां की लोड़ नहीं है। भी एक छिन भी जिन्हें चेते किया काला की फाही च नहीं आता, मौत दे विच नहीं आता, भाव अंतरात्मे की मौत। यदा मतलब असं रोज़ नाम जपते हैं, रोज़ सेवा करते हैं, जे साडे कोलों छिन आया ही नहीं, वह सैकंड भी नहीं आया, जद टिकया हो साडियां गरंटियां घंटिया दियाँ, मेरा मन एक घंटा रुक जाता, मैं पाठ करता मैनू घंटा पता ही नहीं लगता। गुरु साहब कहते कबहू जियरा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले, लोभी जियरा थिर ना रहत है, मैं चारे कुंडा पाले। कहिंदे कदे उच्चे असमाना ते चढ़िया फिरदा, कदे पताला ते चलिया जांदा है, ये लोभी इन्ना ये मन। एक सैकंड बहुत वड्डी चीज है साडे लई, एक सैकंड कुछ नहीं है दुनियावी तौर ते, पर एक सैकंड बीतण विच बड़ा समा लगदा है। कहिंदे ओ सैकंड दे विच दुनिया दखण घूम के आ जांदा है, टिकदा कदों है? ओ इहनू एक सैकंड भी टिका लिया ते गुरु की कृपा हो गई। कहिंदे ते इन्ना छातर है, इन्ना कपटी है, हुण बंदा जिन्नी उचाई ते जा रहा मन उत्तों दुगना है। जे कोई प्लेन 1200 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ाउंदा ते उहनू कंट्रोल करन वाला 3600 किलोमीटर प्रति सैकेंड उहनू वाच रहा है, भावे वह आटो पायलट ते चल रहा है। तुसी गड्डी 200 दी स्पीड ते 150 ते चला रहे हो ना, मन तुहाडा 500 दी स्पीड ते कंट्रोल करदा, सामने गड्डी आउंदी मैं ओवरटेक किदां करना है, ये थां ते ब्रेक लग सकदी है, इत्थे मैं रुक सकदा, इत्थे मैनू रिस्क है, किन्ना तेज है ये, ये तो कुछ भी नहीं है। मन बहुत शातर है, बहुत चलाक है, ये गल्लां नाल सिद्ध नहीं आउंदा। मन के मारे मर गए काजी मुल्ला शेख, इसे मन ने बड़े बड़े ऋषि मारे, सिद्ध मारे, मारे किवें उलझा के रखते, बड़े बड़े पीर फकीर इस मन ने डुला के रखे ने, वासी नहीं होया किसे दे, गुरु की कृपा बिना नहीं हुंदा। गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे राय बुलार जी, ये मन तेरा रूप नहीं हो सकता, तेरा रूप वो है जिन यह मनुआ सिरजिया, जिन्हें इस मन नू सिरजिया बनाया, क्यों उनू चेते नहीं करदा? आखो सतनाम। ते जिन्हें इस जम नू भी बनाया उनू भी चेते करिया कर। जम अते मन दोनों दे लक्षण सेम ने। जम की करदा है? बुराइयां करदा है, बुरे बंदे नू लभदा है, ते मन साडा चंगा बंदा लभदा है।
साढ़े गवांढ 100 बंदे चंगे रहिंदे होणे सानूं चंगियाई दिसदी नहीं किसी की। सानूं ये दिसदा है किहड़ा साडे घर कणी वेखदा है, किहड़ा साडी पार्किंग च गड्डी खड़ी करदा है, साडे बारे गल्लां गाउण की करदा है। हर वेले साडा मन इस पाप दे विच लथ पथ है हर वेले। तो जिहड़ा मन एडा पापी है वह कदे धर्मी हो सकता है? कदे भी नहीं हो सकता। भेख बना के फिर सकता वो अलग गल है। गुरु नानक साहब जी आखते कहते राय बुलार जी तेरे चे कपटी कोई नहीं। कहते तेरा मन कहिंदा ए मैं दुश्मन जितना है, मेरा दुश्मन मेरा मन नहीं मनदा, मेरा मन अज बहुत खुश है। कहते इस मन उत्ते मेरा कहण वाला कौन है? जिहड़ा कहिंदा मेरी मर्जी, मेरे मन च ते गल नहीं आई, इह मैं ते सोचे ही कदे नहीं, मेरा मन ते कदे किसे दा बुरा नहीं करदा। इस मन ते काबज हो के कौन बोल रहा है? मन कहिंदा यार मैं इस बंदे दा नुकसान करना है। अंदरों आवाज़ आउंदी है कहिंदे ना तैनू की मिलूगा, तू इहदा बुरा करके की करेगा, तू अपना भला मंग दूजे दा भला मंग। कोई तो पिछों आवाज़ दे के कहिंदा आपां माड़ा काम करन चले आ, मन कहिंदा कर ला फायदा आ जू, इत्थे कड़ा कोई जानदा, किसे नू की पता है। पिछों एक आवाज़ आउंदी उह रहण दे कानू पाप करदा है, तैनू की है। कहिंदे कदे कदे 100 दे विचों 2% मन उस आवाज़ नू मन लैंदा है। ज़्यादातर ये अपनी आत्मा नाल भी धक्का करी जांदा। आत्मा कहिंदी, बंदा कहिंदा ना यार मेरी अंतर आत्मा नहीं मनदी, मैं इहदा बुरा करां, पर इहनी मेरे नाल कसर कोई नहीं छड्डी, मैनू करना पैणा है। कौन है? मन कहिंदा मैं बुरा करना है, आत्मा कहिंदी रहण दे क्यों पाप कमाउना है। जो भाखत मन को मन मेरो सो स्वरूप अपनो तुम हेरो। गुरु पातशाह जी कहिंदे राय बलार जी जिहड़ा मन उत्ते कब्जा करी फिरदा ना, कहिंदा मेरा मन, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा चित, मेरा दिमाग, मेरा ख्याल, मेरी सोच, मेरा मन छेती नहीं मनदा। कहिंदे इस मन ते काबज हो के जिहड़ा बोलदा वह तेरी आत्मा है, उही तेरा सच्चा स्वरूप है। आखो सतनाम। बंदे दी आत्मा ना बड़ी बार जदों धर्म की दुनिया च कोई बैठा है, बंदा कहिंदा मैं अपनी रूह तो बोलदा यार, मैं अपनी आत्मा तो बोलदा। किते ना किते उहनूं भी पता भी मन मेरा भी खोटा है, धोखा कर सकदा, पर मेरी रूह कहिंदी है इस बंदे विच जे 90 औगण ने 10 गुण भी तो होणगे, पर मन कहिंदा उह छड्डी ना, तू तेरे वर्गा कौन हो सकता है, चक दे फटे, तेरा दुश्मन ना रवे कोई, ना रहे बांस ना बजे बंसरी। मन सारी जिंदगी वैर पाउंदा फिरदा है, विरोध करदा फिरदा है। गुरबाणी ने इसे करके कहा है भाई रे इस मन को कोई समझाओ, इनू समझाते सही कोई, ये किहो जा है, ये तो विकारी है। जिस आत्मा ने इनू बनाया, जिस परमात्मा ने इनू बनाया, ये उदी भी नहीं मनदा। मन की दी रहा है अपने आप दी, क्यों मन रहा है? मन अपनी होंद क्यों बनाई बैठा है? होमे करके, ये उही होमे है जिहड़ी कदे शरीर नाल जुड़ी सी, इंद्रियां नाल जुड़ी सी, प्राणा नाल जुड़ी सी, ये जुड़ी चिंबड़ी होई चिचड़ वांगू मन दे नाल। ते मन नूं कोई बार बार समझाउंदा मना मेरिया ना गलती कर, अगे भी कीती तू हुण ना कर, आत्मा बोलदी है। गुरु साहब कहिंदे मन सदा पापी ते विकारी है, आत्मा उच्ची सुची है। मन की गता गति जो जाने स्वयं प्रकाश सदा सो पाने। पातशाह कहिंदे मन की स्पीड, मन की गति, मन की उत्तेजना कौन जानदा है? हुण मैं कहां समझण वाली गल, मैं कहां यार मैं बहुत बुरा, मेरा मन बड़ा भैड़ा है, मतलब कोई ये दस रहा है मेरा मन भैड़ा है, मेरा मन बुरा, जां कोई कहिंदा अपनी तारीफ करके मेरे मन च कदे किसे दी बुराई नहीं आउंदी, मैं तो सदा ही चंगा करदा, कोई पिछे बोलदा है जो इस मन नूं कंट्रोल करदा है, जो इस मन ते अपना कब्ज हो के कब्जा करदा है। गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे भाई इस मन नूं वस करन वाले बड़े आए, फिर पातशाह की लिखदे आ, हर की गत नह को जानै जोगी जति तपी पचहारे, अरबौ लोग सियाणै। वड्डे वड्डे सियाणे जोगी जति तपी कहिंदे सारे आए जानण, रब क्यों नहीं मिलिया? मन दे तल ते जिन्हां ने रब लभिया उन्हां नूं कदे नहीं मिलिया। आखो सतनाम। वह हार गए ने, थक गए आ, ते जिन्हां ने मन पासे करके आत्मा दे तल ते रब नूं खोजिया ना, फिर बाणी उन्हां बारे कहिंदी है बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। बंदे अपना हिरदा खोज के वेख परेशानियां मुक जानियां ने,
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਾਅ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਾਊ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਬੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਹੜੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ? ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਤ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਮਨ ਜਾਣੂਗਾ। ਮਨ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੱਸਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਸਾਧਨ ਜਿਉਨੇ ਨਾਦ ਰੱਖੀ ਕਾ ਤਿਉਂ ਮਨ ਸਾਧਨ ਜਾਨੋ ਨੀਕਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਐਡਾ ਪ੍ਰਬਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਐਡਾ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਗਲ, ਪੈਰ, ਚਮੜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਵਾਈਸ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਫੋਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਚਿਪ ਸੈੱਟ ਲੱਗਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਮ ਸੈੱਟ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਬਿਲਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈ ਸਿਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੀਗਾਹਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬੈਟਰੀ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਕੰਨ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ? ਮਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ, ਮੇਰਾ ਗਲ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ? ਹਉਮੈ ਕੌਣ ਲਈ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਜੱਗ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਵਿਖਣ ਸੁਣਨ ਚੱਖ ਸਰੁੱਤ ਬਿਨ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਬਹੀਨ ਤਿਉਂ ਬ੍ਰਿਤ ਨਾ ਕਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖ, ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੂਜੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ, ਆਈਸਾਈਟ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਰਡਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਨ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੰਨ 'ਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰੋਤ ਹੋ ਗਈ,
ते तीजा उन्हों सुन के फैसला देने वाला है ये सच है या झूठ है, कौन है? मन है। जद के कहिंदे कन्ना ने सुनिया, कन्ना ने फैसला नहीं किया, अखा ने वेखिया, अखा ने फैसला नहीं किया, जुबान बोली उन्हें फैसला नहीं किया, फैसले कौन करता है? मन करी जाता है, जिहड़ा वेखदा भी नहीं। हुण मन वेखदा बार की हो रहा है? अखा वेख रही ने, कन्न सुन रहे आ, जुबान टेस्ट करती है, मन घुप नेरे च बैठा ही फैसले दई जांदा है। आ मेरा अपना, आ बेगाना, आ मित्र, आ दुश्मन, आ चंगा, आ माड़ा, अन्ना ही होया फेरा खो सतनाम नहीं है ना उकना च। फिर इस मन नूं गुरु साहब समझाउंदे, उह कहिंदे मना किहड़ा वजूद बनाई फिरदा अपना, तूं कहिंदा मैं मेरा 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 सारा कुछ मेरा। सतगुर कहिंदे तेरा है ही कख नहीं, ना शरीर तेरा, ना इंद्रे तेरे, ना ज्ञान इंद्रे तेरे, ना कर्म इंद्रे तेरे, ना प्राण तेरे, ना मन तेरा, है की है तेरा? हौमे मेरी हंकार, मेरा होर है ही कुछ नहीं। सतगुर कहिंदे ये मन आत्मा ते काबज नहीं हो रहा, ते जदों मन विकार कमाउंदा ते रूह भी इहदा खेड़ा छड दिंदे भी ये पापी है, बुरा, इस पासे नहीं आउंदा, पर आउंदा गुरु की कृपा नाल ही है। जे सतगुर पूरे कृपा करदे ने, अस प्रकार की सुन कर बानी, राय तबह हंत मन हानी। महाराज कहिंदे भाई एक तन हंगता है, एक मन हंगता है, हंगता नाम है सूक्ष्म होमे दा। इत्थे बड़े मिल जाणगे तुहानूं मेरे वर्गे, मैं करदे बकरी वांगू सारा दिन फिरी जांदे आ। उह चार बंदे बैठे, उहनां ने चारां दी थोड़ा सुननी, मैं ओह कीता, मैं फलाणे दा भरा, मेरा फलाणा बंदा, उह दूजे दी सुणदी उह नहीं, आपणे ही सुणा के आ जांदे आ वी मैं की चीज़ां। तुहानूं पता लगे, लोक की कहिंदे यार इहदे कोल की बैठणा, आपणे ढोल कुट्टी जांदा सारा दिन, आपणी डफली वजाई जांदा, लोक दुखी हो जांदे आ, क्योंकि हर मन होमे दा भुख है। मैं कहिंदा मैं चंगा, मेरे नाल दा बैठा कहिंदा मैं चंगा, मैं कहा मैं गल सियाणी कीती, नाल वाला कहिंदा यार मैं गल, ओ फिर मेरी गल कट्टू, मैं उहदी कट्टूंगा, फिर की होया? वैर, विरोध। ते मित्र साडे कित्थे बणदे आ? जे मेरा मन कपटी आ ना, मेरे यार भी कपटी होणगे। ते जे मेरा मन बंदगी करदा, नाम जपदा, ते मैनूं चंगे ओह लगणे जिहड़े नाम जपदे आ, क्योंकि मन अपने वर्गियां नूं मित्र चुणदा है। जिहने इहदे विरुद्ध गल करती, मतलब गल सच्ची सी, किसी बंदे ने कहा आ राह ना जाया कर, पर मेरा मन कहिंदा सी मैं जाणा, तू रोक के विखा, मैनू वह बंदा उस दिन तो बुरा लगन लग गया भी दुश्मन है मेरा। किसी ने मैनू कहा आ नशा ना करया कर, मेरा मन कहिंदा मैं करना है, तो फिर वह दूजा समझाने वाला मित्र लगू या दुश्मन? दुश्मन, बुरा। जे हुण कोई खाण पीण वाला मन है किसी का, वह माड़िया चीज़ा खाँदा, माड़े काम करता है, एक बंदा के एप्रीशिएट करता, कहता चक दे फटियो जिंदगी चार दिन का मेला मौजा लुट्टो, कहिंदा आ मेरा यार है, आ मेरा मित्र है जिगरी, जिहड़ा मैनू फॉलो करता है, मैनू समझदा है। रौला कहदा है मन कहिंदा मैनू जाणो, तेरा मन कहिंदा मैनू जाणो, मेरा कहिंदा मैनू जाणे, मर्ज कहिंदे ये सारा कुछ छड्ड, अपने आप नू जाण, तूं कौण आखो सतनाम जाणिया कदे? दूजे बंदे ने सिर तो पैर तक स्कैन करदे फिरदे आ, की करदा, आप ही जज बने फिरदे, आप ही वकील बने हुए आ। गुरु साहब कहिंदे छड्ड इन्हां गल्लां नूं। राय बुलार साहब, मन तेरा रूप नहीं है। जिदण इस मन ने गुरु की कृपा नाल पिछे मुड़ के वेखना शुरू करता ना रूह वल, आत्मा वल, कहिंदे ये मन आएगा, मन तू जोत स्वरूप है, तू जोत का स्वरूप है, तू जोत नहीं है, ये समझो अर्थ की ने। अगे मर्ज की कहिंदे अपना मूल पछाण, मूल नाम हुंदा मुढ़ दा। हुण फुल पत्ते दरख्त नहीं है, ते दरख्त कली जड़ भी नहीं है, मुढ़ तो दरख्त पैदा होया ना। जे हुण फुल माण करे भी मैं बड़ा महान हाँ, उन्हें भी चढ़ जाना है। पत्ते माण करन मैं बड़ा महान, उन्हें भी चढ़ जाना है। टाणियां माण करन चढ़े, उन्हें भी जाना है। संपूर्ण चीज़ का नाम है रुख, संपूर्ण दा, जिते पत्ते फल फुल टाणियां क्लोरीन लगी है, हरे पत्ते आ, उन्हें रुख कहिंदे आ। ते महाराज कहिंदे आ संपूर्ण शरीर का नाम है आत्म ते परमात्म। जिन्हां ने जाणिया उन्हां दा शरीर भी रोम रोम नाम जपदा है, इंद्रे भी जपदे आ, उन्हां दे कन्नां दी स्रोत चंगी आ, वह बाणी सुनदे आ, जुबान चंगी आ, वह सिमरन करदे आ, मिठा बोलदे आ, चंगा बोलदे आ, उन्हां दी नज़र पवित्र हो गई, क्योंकि नज़रिया बदल गया अंदर दा, अख बदली ते नज़ारे बदल गए, वह किसी का बुरा ही नहीं वेखते, बुरा वेखते नहीं, तो बुरा सोचते नहीं, क्योंकि मन काबू च आ गया है। तो जिहदा काबू नहीं उन्हूं स्पष्ट गुरु साहब कहिंदे आ जन्म जन्म की इस मन कहो मल लागी। ये दो संदर्भां च अर्थ ने गुरबाणी दे। गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे राय बुलार जी हुण तुसीं दसो कौन हो? क
कहिंदे महाराज समझ आ गया मैं मन नहीं हाँ आखो सतनाम नहीं हाँ, पर मन्या होया सी ए मिथ है मेरा मन मेरी मर्जी पर है वो हाँ जो कहिंदा मेरा मन करदा नहीं सी जाणनू पर यार मैनू वो कहिंदा रहा मैं अपने दोस्त की गल मोड़ नहीं सकिया मेरा मन नहीं सी मनदा मैं इस बंदे नाल धोखा करा मेरा मन नहीं सी मनदा पर ना चाहुंदिया मैनू करना पिया फैमिली प्रैशर सी प्रैशर बिल्ट करदे सी मन कहिंदा मैं अलग हाँ फैसला मैं कीता पर इहदे ते बोलण वाला इहदे बारे दसण वाला कौन है मन कहिंदा मैं इस बंदे दी लत तोड़नी मैं इहनू छड्डना नहीं अंदरों आत्मा कहिंदी ना मना तू ना इह कम कर तू इन्हां कम्मां च ना पै हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो दस गल्लां मन बुरियां बोलदा है आत्मा एक आवाज़ दे के चुप कर जाती चंगा करना कि नहीं करना कोई बंदा नहीं कह सकता भी मेरी आत्मा नहीं बोलती कदे आत्मा नाल गल करके तो वेखो रूह नाल गल करो तो सही वह साडियां गल्लां लफाफेबाज वालियां ने बाहर दियां गल्लां ने बाहर दे विखरेवे साडे बाहर दे सब कुछ है बाहरी मित्र बाहरी दुश्मन अंदर की है अंदर सिर्फ मैल है होर कुछ नहीं है पातशाह कहिंदे तेरा असल सरूप तो है जो तेरे मन की बुराई दसद जिहड़ा कहिंदा भी मेरा मन बड़ा बुरा है जा मेरा मन बड़ा चंगा है जो तो गुरु साहब की कृपा होंदी तो मेरा मन जुड़न लग जाता है मतलब मेरा कहन वाला ओ तेरी आत्मा है घर विचार पुन बचन उचारा मन नह मेरो रूप उदारा सतगुरां दे बचनां नूं समझण तो बाद राय बुलार साहब कहिंदे महाराज हुण मेरा मन फिर आ गया ना गल कहण च भी मेरा मन कहिंदा भी मैं रब नहीं हाँ मैं आत्मा नहीं हाँ मतलब आत्मा ही तो वक्खरी है ना तो मन जमदा मरदा जी पर मन रूप धारण करदा है पूर्वले जन्मां दी सोझी इस मन नूं है पर वह माया दे मोह करके दबिया फिरदा है पता है मन नूं ते इसे मन तो ते लिखे हुंदे आ इस मन करके ही शरीर ने पाप किया शरीर बेचारा की करता है मन कहिंदा चल चोरी करन चलीए किहड़ा देखदा बैंक लुटीए मन कहा ना फसिया कौन शरीर सजा कौन भुगतदा शरीर हुण तड़फदा कौन है मन भी यार जे मैं आ कम नहीं करता मन कहिंदा चलो फलाने नूं कुट के आईए साडे महल्ले च किहड़ा बोल गया मन ने कहा एक्शन शरीर लै गया ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे चोर बन के नाल लगे रहे अखां वेखदियां वेखी कोई वेखदा तो नहीं सानू कन्न कहिंदे ना ना पैरां दी आवाज़ सुनी ना पता नहीं लग्या किसे नूं जबान कहिंदी हौली रह जे सानू वेख लिया फड़ लेगा कोई पाप करके आया ना हुण भागीदार कौन है कल्ला मन नहीं मन करके सूक्ष्म शरीर करके ते फिर जिहड़ा कारण शरीर है एक पाप दा फल तिन्ना नूं ही भुगतना पैंदा आखो सतनाम मन पिछे जिहड़ा लग्या उह गया कम तो ही गया जीवन तो गया कदे सुखी ना होया इसती पर बुद्ध है जोई निज स्वरूप मैं मान्यो सोई जदों हुण चार अवस्थावां दा जिक्र हो गया मर्द कहिंदे पंजवा वेख राय बुलार साहब हुण तुसी कौन हो गुरु साहब अंदर दी सूक्ष्म होमे कढ़दे आ सी ते फिर बाहरों हंकार ना भरे साडा कित्थे भला हो जूगा सोच रहे हो ना कदे इन्हां चीज़ां नूं बरीक सोच के वेखो भी अजे राय बुलार साहब जी नूं सतगुरु कहिंदे तू मेरा रूप है उहनूं महाराज ने छाननी ला के छाणता फिल्टर ला के छाणता ते मैं कहां रजिंदर सिंह तू ते रोज़ मत्था टेकदा गुरद्वारे भी रहिंदा चंगे काम भी लोकां चारू करदा मेरा भला होजू एक जन्म च मेरे चंगे काम हो सकदे की पता मैं किन्नियां गरीबां दे गल पिछले जन्म च वड्डे होणे मैं किन्नियां दा बुरा कीता होणा हौली 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 सतगुर कटते जाते एक दिन पूर्ण कृपा हो जाती तो गुरु अपना रूप बना लेंगे ये डूंगिया गल्ला ने गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे हुण तू कौन है सोच समझ के कहिंदे महाराज फिर मैं जे मन भी नहीं ना मैं हाँ बुद्ध बुद्ध नाम जिस अकल पैदा होंगी है लोग कहिंदे आ ना ये बंदा बुद्धिवान है मतलब अकलमंद है ज्ञान बड़ा है हुण मन उत्ते किहदा कब्जा है मन उत्ते कब्जा है बुद्ध दा साडी दा हुण बुद्ध गलत भी हो सकती है चंगी भी हो सकती है जिहनूं कहिंदे आ मत दो शब्द बोलदे आ ना आपां मन प्लस मत मन मतिया मन दे पिछे लग के फैसले ठोकण वाली मत है बुद्ध है फिर उहनूं लग्गिया राय बुलार साहब नूं भी जे मैं मन नहीं ते मन नूं कंट्रोल करन वाली ते मत है साडी अकल है फिर वह मेरा रूप है निश्चय करन धर्म बुद्ध कीरा आपने हंता त
गुरु नानक साहब महाराज कहते तैनू किवें लग्या तू बुद्धि है, कहते महाराज मन कहिंदा है संकल्प करके भी वेख ला तेरे लिए काम ठीक है, वो तो एनालाइज कौन कर रही है, अकल बुद्ध। बुद्ध कहती मैं भरोसा किया ये बंदा तेरे नाल धोखा नहीं करता, किने गया ये बुद्ध ने अकल ने। बड़ी दुनिया ने असी हर बार साड़ी अकल भरोसा करती है, मन करके असी हुण फिर छित्र खाने की तैयारी चा, पांच साल हो गए फिर अगे चल पैना, कर सरकारां नूं भी पता है भी ये लोग सिर्फ 90 दिन याद रखते हैं, उस तो बाद सारा कुछ ही भुल जाते, जिन्नियां मर्जी डांगां भरन, जिन्ना मर्जी पानी की विछाड़, तो जिदन आ गए घर मूहरे हाथ जोड़ के उदन ही कहते मैं जानवर ता ही तू, मन पिछे बुद्ध लग गई ना भी चल फिर की है साडा तो काम हो जाता, साड़ी तो जेब च एम एल ए बैठा फोन किया सानू जवाब नहीं, भोगों पर भी आई जाते, पाठों पर भी आई जाते, ब्याह पर भी आ जाते, इन्ना ही बड़ा है असी की लैना है नौकरी तो, असी की लैना काम कार तो, इतनी खुश है ना असी, वो क्यों होए, क्योंकि साड़ी अकल कहती है साड़ी मत कहती है, तो लोग कहते यार इस बंदे की मत ते परता पिया होया है, पंजाबियों के पिया होया ना 70 साल तो पिया है, पिया ही रहना है, क्यों पिया, मन करके उस पासे लगे, मत परदा पाई फिरदी भी मैं दुनिया वल वेखना नहीं, कनेडा दियां गल्लां करदे आ, अमेरिका दियां करदे आ, यूरोप दियां करदे आ, एशिया दियां करदे आ, करदे आ, कदे उहनूं इंप्लीमेंट कीता क्यों नहीं करना, क्योंकि साड़ी अकल कहिंदी जे मैं आह करता आटा दाल फ्री नहीं मिलनी, बसां फ्री नहीं होनियां, बिजली फ्री नहीं मिलनी, मोटरां दा पानी फ्री नहीं मिलना, अगले ने भिखारी बना के फ्री लाया होया है, नौकरी किने देनी, आखो सतनाम, कदे अमेरिका कैनेडा यूरोप वाले इदां करदे आ वी घरे बैठे रहो, राशन खाई जाओ, माड़ा बोली जाओ, गुंडागर्दी करो, क्योंकि सरकार ने तुहानू सारियां सहूलतां देनियां, कर्ज देना सी, कम देना सी, बचियो भावे घट तनखाह होवे कम करो किरत करो, यार की नहीं लै सकते तुसी, अकल ते भरदा ना, क्योंकि अकल ने अपने आप नूं सियाणा समझिया, उहने मन नूं अगे कमांड दित्ती, हुण मन नूं कमांड मिली, मन कहिंदा जो मेरी अकल कहिंदी है, क्योंकि मैं सियाणा, मैं विद्वान हाँ, मैं समझदार हाँ, मैं कदे मार नहीं खांदा, मन क्यों बोलदा है, उहदे विच अकल खड़ी सपोर्ट करके भी जा जो करना है कर, मैं नाल हाँ तेरे, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहिंदे राय बुलार जी साडी ए मत साडी ए बुद्ध जिहनूं तुसीं अपना रूप मन्नदे हो तेरा रूप नहीं है।